रश्मि किचन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सहजन की सब्जी बनाना बताने जा रही हूँ। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो आइए सहजन की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने 250 ग्राम मैंने सहजन लिया हुआ है। इसको मैं इस तरह से कट कर दे रही हूँ और इसका ये जो स्किन है हटा दे रही हूँ, जो ग्रीन वाले हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको साफ कर लिया है और ये इस तरह से मैं पीस करके मैं रख दे रही हूँ। ये देखिए, मैंने इस तरह से सारा मैंने इसका स्किन निकाल लिया है। ये देखिए, मैंने दो टमाटर लिया हुआ है बड़ा साइज का और ये मैं एक हरी मिर्ची ली हूँ और ये 7-8 मैंने लहसुन की कलिया मैंने लिया हुआ है। ये मैं इसमें मिक्सी जार में मैं इस तरह से मैं टमाटर का ऊपर का साइड कट करके हटा दे रही हूँ और इस तरह रफली इसको कट करके, और ये मैंने लहसुन भी इसमें डाल दिया और ये मैं हरी मिर्ची भी इसको मैं तोड़ के इसमें डाल दे रही हूँ और मैं इसका फाइन प्यूरी मैं बना ले रही हूँ। ये देखिए, मैंने कढ़ाई को गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें मैं 1 टेबल स्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला और इसको अच्छे से गर्म होने दे रही हूँ। ऑयल अब गर्म हो गया है। अब मैं इसमें, यहाँ मेथी दाना मैंने लिया हुआ है, ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब मैं इसमें ये जो मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई है ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ये देखिए, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। अब मैं इसमें, ये देखिए, मैंने मसाला लिया हुआ है, ये मैं घर पर बनाई हुई हूँ। इसमें मैंने धनिया, जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्ची और थोड़ा हल्दी मैंने डालकर इसको मिक्सी जार में मैंने मसाला तैयार किया हुआ। इसमें मैंने गर्म मसाला नहीं डाला है। इस समय मैं डाल दे रही हूँ और ये मैं 1 टीस्पून हल्दी पाउडर मैंने लिया है, ये भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। ये मैंने 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची लिया है, ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। ये देखिए, मैंने सहजन को अच्छे से वॉश कर लिया है, ये मैं इसमें अब डाल दे रही हूँ और इसको 1-2 मिनट के लिए मैं इस तरह से भून ले रही हूँ मसाले के साथ। ये देखिए, मैंने 1-2 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें, मैंने 1 ग्लास मैंने इसमें पानी डाल दे रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार इसमें मैंने नमक डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ और इसको सॉफ्ट होने तक मैं इसको ढककर मैं कुक कर ले रही हूँ। ये देखिए, मैं कवर हटा रही हूँ और ये सहजन, ये देखिए, सॉफ्ट हो गया है अच्छे तरह से। अब मैं गैस फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और ये सहजन की सब्जी रेडी हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ा ये धनिया पत्ती ऊपर से डाल दे रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो सहजन की सब्जी बनकर तैयार हो गई। ये देखिए, गर्मा गर्म सहजन की टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सभी में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।